जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और क्वेश्चन आते हैं कि होने वाला जो संतान है वह क्या होगा। घर में खुशियाँ का बहुत ही ज़्यादा माहौल होता है और हर एक एक फैमिली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आने वाले जो न्यू मेहमान आने वाले हैं उनकी तैयारियाँ में जुट जाते हैं और वह जानना चाहते हैं कि आखिर आने वाला मेहमान क्या है, लड़का है या एक लड़की है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पाँचवें महीने में गर्भवती महिला को दिखने वाले कुछ लक्षण के बारे में, जो आप पाँचवें महीने से ही जान सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेबी बॉय है या एक बेबी गर्ल है। क्योंकि हालांकि सातवें आठवें महीने में तो हम आसानी से सिम्टम्स को लक्षण को देख के जान जाते हैं, बट आज के इस वीडियो में जानेंगे पाँचवें महीने में दिखने वाले लक्षण के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप गर्भवती हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी अपडेट प्रतिदिन मिलती रहेगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर आपको पाँचवें महीने में बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है, इचिंग आपको कई अंगों पे हो सकती है, जैसे कि ब्रेस्ट, पाँचवें महीने से यदि आपका ब्रेस्ट पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा है। क्योंकि बेटा होने पर गर्भवती महिला को बहुत ही ज़्यादा इचिंग की समस्या हो जाती है। तो यह लक्षण आप में दिख रहा है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। दूसरा लक्षण यह है कि यदि आपको जांघों पर भी इचिंग हो रही है या यानी कि पेट के निचले हिस्से पे इचिंग हो रही है, पेट के पास इचिंग यानी कि खुजली हो रही है, तो भी माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा है। अगला सिम्टम्स यह है कि यदि आपका पेट का जो आकार है बिल्कुल नोकेला शेप में आया है तो भी संकेत काफ़ी हद तक माना जाता है कि बेबी बॉय होने का चांस हो सकता है। तीसरा सिम्टम्स यह है कि यदि आपको पैरों में स्विलिंग्स आ गया है, दोनों पैरों में स्विलिंग्स आ गया है, खास करके राइट पैर में, तो यह एक बेबी बॉय होने का संकेत माना जाता है। यदि आपको बैक पेन की समस्या होती है तो भी माना जाता है कि बेटा होने पर ही ये लक्षण देखते हैं। आप इस वीडियो किस तरीके से देखते हैं, किस सोच से देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण 110% कभी भी वर्क नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान इसे बिल्कुल भी नहीं मानता है। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे काफ़ी महिलाओं को उत्सुकता जो मन में होता है क्या होगा और जिज्ञासा वो कम होता है, और उनकी प्रेगनेंसी जर्नी जो हो बहुत ही आसान हो जाती है, और मन में जो सवाल आते हैं वो सवाल आना बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं उत्सुकता, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लड़के और लड़कियाँ बिल्कुल भेदभाव नहीं करते होंगे, हमेशा वीडियो को पॉजिटिव सोच से ही देखते होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।